अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको दूंगी लोरियल पेरिस की क्रीम के बारे में रिव्यू कि ये क्रीम कैसी है। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको रिव्यू दूंगी लोरियल पेरिस की क्रीम है वाइट परफेक्ट डे क्रीम। एक्चुअली ये डे क्रीम है। सबसे पहले तो हमें मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपने स्किन पे कुछ लगा रहे हैं तो प्लीज़ ब्रांडेड लगाएं, अच्छी क्रीम्स लगाएं, फॉर्मूला क्रीम्स की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। एक्चुअली फॉर्मूला क्रीम्स का क्या होता है, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट कर देते हैं, लेकिन जब आप उसको अपनी लाइफ से किक आउट करते हैं तो आपकी स्किन डल, डार्क और अजीब व गरीब सी हो जाती है ना, और आपकी स्किन पे रिंकल्स, फ्रैकल्स सब कुछ आ जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान है फॉर्मूला क्रीम्स के। लेकिन जो लोरियल की पेरिस क्रीम है, इसको इसके बेनिफिट्स हैं। इसका बेनिफिट ये एक डे क्रीम है, लेकिन आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको डे में भी यूज़ किया है और नाइट में भी यूज़ किया है। अगर आप कहें कि भाई इसको यूज़ करने से बहुत गोरा रंग हो जाएगा तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको यूज़ करने से बहुत बहुत ज़्यादा फेयर कलर नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसको यूज़ करने से आपकी स्किन नीट, क्लीन, ग्लोइंग एंड ब्राइट हो जाएगी। ठीक है, आप इसको यूज़ करने के बाद खुद देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गई है। ये डे क्रीम है, इसमें SPF 17 है ये। ठीक है, इसको अप्लाई करना है मॉर्निंग में, लेकिन आप इसको नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते। मैंने इसको यूज़ किया था तो मुझे ये इसका रिज़ल्ट आया है कि स्किन ब्राइट हो गई है, नीट एंड क्लीन हो गई और ग्लोइंग स्किन हो गई। और इसका सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लगी कि अगर आप इसको मतलब कि लाइक अगर आपने कहीं जाना है और इसको अगर आप फेस पे अप्लाई कर लेते हो तो इंस्टेंट ग्लो आपको मिलता है, स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट लगती है और ग्लोइंग स्किन आती है। मुझे सबसे अच्छी इसकी बात ये लगी कि इंस्टेंट ग्लो आपको देती है। आप इसको यूज़ करें, आपकी स्किन ब्राइट लगेगी, नीट एंड क्लीन लगेगी और ग्लोइंग लगेगी। इसके साथ आपको किसी फाउंडेशन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉलेज को गर्ल्स, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स इसको इजीली कैरी कर सकती हैं, इसको नीट एंड क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर अर्जेंट इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि मार्केट में या लोकल सेलर से लेने से बेटर है कि आप इसको लोरियल की जो सी वेबसाइट है या लोरियल का ओरिजिनल पेज है वहाँ से आप जाके ऑर्डर करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ ना आप फेक भी बहुत ज़्यादा मार्केट्स में आई हुई है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ओरिजिनल लेंगे तो ही रिज़ल्ट आएगा, वरना लोकल का रिज़ल्ट की कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छी क्रीम लगी है, स्पेशली फॉर्मूला क्रीम्स और दूसरी क्रीम्स को मिक्स करके वो फॉर्मूला मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे लोरियल की पेरिस वाइट परफेक्ट डे क्रीम बहुत अच्छी लगी। सो व्यूअर्स, स्पेशली गर्ल्स जो एक अच्छी क्रीम, इंस्टेंट ग्लो वाली क्रीम ढूंढ रही हैं, अगर तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। आप ये क्रीम लाजमी यूज़ करें, इसको डे क्रीम और नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सन ब्लॉक भी, इसको लगाने के बाद सन ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, SPF 17 इसके अंदर ऑलरेडी है। मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी यूज़ की है। ये देखें, ये मेरी तकरीबन सारी ख़त्म हो गई है। एक्चुअली मैं इसका रिव्यू ना पहले देना चाह रही थी, अभी हाफ़ हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं अच्छे से इसको सारा यूज़ नहीं कर लेती फिर मैं फिर उसके बाद मैं आपको रिव्यू देखें। ये देखें, मैंने सारी यूज़ कर ली है, मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैंने इन द एंड आपके साथ ये शेयर किया है रिव्यू। सो प्लीज़ आप लोग भी ओरिजिनल बाय कीजिए, और इंस्टेंट ग्लो के लिए भी बेस्ट है, वैसे नॉर्मली लगाने के लिए भी बेस्ट है। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।